अरे सुलेखा, तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी बिना चप्पल के? कमला, मैं तो बस वो। हाँ हाँ, घर के साथ साथ तेरी चप्पल भी बिक गई है क्या? कमला, तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। कॉलेज के बाद आज देख रही हूँ तुझे, तब तो बड़ा बोलती थी कि ग्रेजुएशन होने के बाद मैं ये करूंगी वो करूंगी, और अब देख ये औकात है तेरी। कमला, तुम कितनी बदतमीज हो। और कॉलेज में कब फेंका करती थी मैं? फेंकती तो तुम थी ना। एक्चुअली तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घुमा करती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? और चाहे मैं एक बॉयफ्रेंड बनाऊं या 10 के साथ घूमूं, उससे तुझे क्या लेना देना? और वैसे भी देख, आज मैं कितनी रिच हूँ। RICH, रिच। रिच का मीनिंग भी पता है तुझे? अमीर। यार वैसे भी ना, कभी कभी तुझ पे बहुत तरस आता है। तुझे नौकरी की नींद होगी ना, क्या काम दिलवा सकती हूँ मैं तुझे? खाना बनाना आता है तुझे, पर तुझे तो वो भी नहीं आता होगा। बर्तन धो लेती है। बाय द वे, तेरे कपड़े देख के ना तेरे लिए एक काम अच्छा याद आ रहा है मुझे, वो है झाड़ू पोछे का। मेरे घर पे ना तू झाड़ू पोछा कर ले, क्योंकि वही औकात है ना तेरी करने की, और काम भी तुझ पे वही सूट होता है। कमला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वही बोले जा रही हो। तुम सामने वाले की कंडीशन समझती ही नहीं हो कभी। बस जो तुम्हें बकवास करनी होती है हमेशा वही करती हो। बकवास मैं कर रही हूँ? बकवास तो तू कर रही है। और मुझे ना वो वाली लड़की मत समझो जो मैं कॉलेज में हुआ करती थी। और वैसे भी अगर तेरे पूरे खानदान की भी प्रॉपर्टी खरीद ली ना, तो भी मेरी प्रॉपर्टी की ना एक चौथाई नहीं हो पाएगी। तुम जैसे लोग तो कभी हमारी बराबरी कर भी नहीं सकते। मुझे तुम्हारी बराबरी करनी भी नहीं है, और मेरे पास जितना कुछ भी है ना उतने में बहुत खुश हूँ मैं। तुम जैसे लोग ना कभी हमारी बराबरी कर भी नहीं पाओगे। चप्पल पहनने की तो औकात है नहीं तेरी। और तुम जैसे लोगों को ना मैं अपने आसपास तक ना आने दूं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत अमीर हो और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ? और वैसे भी शक्ल देख ली तेरी, पूरा दिन खराब जाएगा मेरा। और वैसे भी ना तुम जैसे लोग ना जीरो होते हो। हाँ, मुझे देख, मैं कितनी अमीर हूँ। ये लो मैम चप्पल। मैम, तू पागल हो गया है क्या? हमारी कंपनी का गार्ड होगी तो इसको मैम बोल रहा है? तेरी नौकरी तो गई। मैम, आपको पता है आप किसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं? रहने दो। किससे बदतमीजी क्यों कर रही हूँ का क्या मतलब? तेको पता भी है कौन है? और तू इसको चप्पल दे रहा है, मैम बोल रहा है। अगर तूने इसको चप्पल दी ना, तो बॉस से बोल के ना तुझे जॉब से निकलवा दूंगी। हमेशा लोग घमंड में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता है कि इसकी सजा उन्हें कितनी बड़ी मिल सकती है। ये क्या पहली बोझा रही है तू? और नेक्स्ट टाइम ना हमारे ऑफिस के बाहर दिख मत जाइयो तू। और हाँ, अगर तूने इसकी मदद की ना, तो तेरी नौकरी तो मैं खा जाऊंगी। कौन किसकी नौकरी खाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं अपनी वाइफ को लेने आया। मैम, इतना देर से हम आपको यही तो समझा रहे हैं, ये सर की वाइफ है। सर, बट अगर ये आपकी वाइफ है तो इन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई, और ये रोड पे क्या कर रही है ऐसे? मैं बिना चप्पल के क्या कर रही थी? अब अरे, तुम ऐसे सड़क पर क्यों बैठी हो? अरे दीदी, वो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। छाले पड़ गए? चप्पल कहाँ है तुम्हारी? वो टूट गई। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरी चप्पल पहन लो, ये लो। थैंक यू दी। सॉरी सुलेखा, मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि तुम बॉस की वाइफ हो। और वैसे भी हम कितने अच्छे स्कूल फ्रेंड्स थे, और दोस्तों में तो थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है ना। मजाक चलता है? रमेश, तुम्हें पता है इसने मुझे क्या क्या बोला? मेरे घर पे ना तू झाड़ू पोछा कर ले, क्योंकि वही औकात है ना तेरी करने की, और काम भी तुझ पे वही सूट होता है। कमला, तुम्हें पता है तुम्हें ये जॉब क्यों मिली है? तुम्हें ये जॉब मेरी वाइफ की वजह से मिली है, क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है। और तुमने इसके साथ क्या किया? तुमने इसके साथ ही बदतमीजी करी। तुमने इसे इसके कपड़ों से जज किया। तुमने ना एक बात तो साबित कर दी कि तुम्हारे जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते। क्या कहा तुमने? कि तुम मजाक कर रही थी। अरे मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना नहीं, और तुमने वही किया। सॉरी सर, बट मेरे ऐसे इंटेंशंस नहीं थे, सॉरी। जाने जाने में तुमसे ही गलती हुई। नहीं, तुमने जो भी किया ना जानबूझ कर किया। तुम और भी इम्प्लॉयज के साथ में ऐसी ही बदतमीजी करती हो। काफ़ी टाइम से तुम्हारी शिकायतें आ रही थी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये सब झूठ होगा, क्योंकि तुम्हारा रिकमेंडेशन मेरी वाइफ ने दिया था। पर आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया, तो जो तुमने गलती करी है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ। सॉरी सर, सर प्लीज आप ऐसा मत करिए सर, मैं क्या करूंगी? कोई बात नहीं, इसका जो भी सामान है इसको दे देना, कल से ये ऑफिस में ना दिख जाए। ओके सर। और कमला, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगी।
आज के बाद ऐसे किसी भी इंसान के कपड़ों को लेकर ना जज मत करना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें हमारी बात समझ आई होगी। सुना तुमने, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और तुमने वही करी। अगर तुम इनके संग बदतमीजी नहीं करती तो आज तुम्हारी नौकरी नहीं जाती। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। सॉरी सर, प्लीज सर सॉरी। अब सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, और कल से ये ऑफिस में ना दिख जाए। चलो सुलेखा।